लसर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आज हम और आगे पढ़ते हैं। आज लसर पे मसर पे आधारित प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद तब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये कल जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, लसर कैसे निकाला जाएगा और लसर पे आधारित प्रश्न कैसे, जैसे मैंने बताया कि अगर 16-24 बहुत छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जिसमें 16-24 से भाग देने पड़ेंगे, साथ में 3 शेष बचे तो बाद में लसर निकालने के बाद 3 जोड़ना, इस तरह के हम लोगों ने सवाल को सॉल्व भी किया था। आज उसी आधार पर थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसी क्रम में हम लोग देखते हैं और लगाएंगे भी, काफ़ी अच्छा भी रहेगा और आपको समझ में भी आएगा तो और ज़्यादा बेहतर, कि समझ में आना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसी पर आधारित है, थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे हम। जैसे कभी कभी आता है प्रश्न कि अभी ट्रैफिक लाइट पे, वो लास्ट में कराएंगे। अभी एक टाइम क्वेश्चन ये आता है जैसे 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या कह लिया, इस तरह के जो प्रश्न कहा था वो लगाए जाते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं उन्हीं को आते हैं हम लोग समझते हैं और लगाने का भी प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 24 और 30 से भाग देने पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो कितने अंक बोलते हैं, 5 अंक ना, चलिए 5 अंक या 4 अंक का कर लीजिए, 5 अंक ही कर लीजिएगा। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 24, 30 से भाग देने पर पूरी तरह भाग लग जाए। चलिए बड़ी से बड़ी का है तो यहाँ मसर की बात नहीं है, जब अंक सामने कह दे कि 5 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, तो हम मसर का कोई नाम ही नहीं लेंगे, ठीक, वहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 18, 24, 30 डिवाइड करेंगे, ऐसे कर डिवाइड करने से दोनों कट जाए, तीनों कट जाए, दो से काटा हमने, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 15, फिर दो से कटा, यहाँ 9 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15, फिर हमने दो से डिवाइड किए, 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड किया, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5, फिर हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक, अब सब गुणा कर लेते हैं, 2×2=3, 2×3=5, 2×2=4×8=24, 24 × 72, 72×5=360। इसका जो एलसीएम निकला वो कितना निकल गया, 360। अब आगे कह रहा है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 18, 24, 30 से भाग देने पर भागफल पूरी तरह से लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। आइए उसको देखते हैं वो कैसे लगेंगे, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आसान का फॉर्मूला भी है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वो जैसे है क्वेश्चन है कि अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अब जानते हैं 99,999, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 99,999, 5 अंक की 99,999, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 360, इससे भाग देंगे 360 से। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, देखेंगे हम 720, 9, 7 फिर उतारेंगे 9, अब देखते कितनी बार भाग जाता है, 2 अंक छोड़ दिया जाए, 8 बार जाएगा, क्या चेक कर लेते हैं, 8 बार जाएगा, 8×0, 8×6=48, फिर 8×3=24, 8×9=7 बार जाएगा, 7 बार ले जाते हैं, 0 हो जाएगा, फिर 7×6=42, 4 हो जाएगा, फिर 7×3=21, 25 घटाते हैं, 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में 5 गया 2, ठीक, 200, तो समझते रहिएगा, कहीं हो सकता है मानवीय त्रुटि हो जाए तो आप समझते रहिएगा, जहाँ गलती होगी बता दीजिए। फिर अगला अंक उतारेंगे 9, फिर 7 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, फिर जब लेंगे फिर 2500, बचेगा ये बचा शेषफल। अब क्या करेंगे, यहां तक प्रोसेस करने के बाद आगे प्रोसेस क्या करेंगे वही जानना है, सबसे ज्यादा जरूरी था आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब 9999 में से अगर 279 घटा देंगे तो जब भी भाग देंगे 360 से भागफल पूरा लग जाएगा। तो हम करते क्या है, हम 9999 से 279 घटा, अब क्या बचेगा, बचेगा 0, 2, 7, 99,720, मानी 99,720 5 अंक की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें
18-24-30 से भाग देंगे तो पूरी तरह भागफल लग जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शेष बच रहा है वही घटा दिए। बात समझिए, जब बड़ी से बड़ी संख्या की अगर क्या करें, जो शेष बच रहा है उसी को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक, समझ में आया आप लोग? नहीं आया, चलिए एक तरीका। दूसरा तरीका इसका है कि अगर इसका इसमें गुणा कर दें, ध्यान दीजिएगा, 277 में अगर 260 का गुणा कर दें तो भी जो प्राप्त संख्या होगी वो भी क्या होगी, इससे विभाजित हो जाएगी। तो प्राप्त संख्या होगी क्या होगी, 99,720। दो तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या क्या है, 5 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 18-24-30 से भाग देने पर भागफल पूरी तरह लग जाए। तो हमने 18-24-30 का पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 360। फिर क्या कह रहा है, फिर हमने लिखा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखा, उसमें 360 से भाग दिया, 277 बार गया और 279 शेष बचा। अगर यही शेष इसमें ना होता तब अगर भाग देते तो भागफल क्या होता, पूरा पूरा लग जाता। और जब पूरा पूरा लग जाता तो वही आपको प्रश्न पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही शेष फल को इसमें से 5 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या का उसमें से हम घटा देंगे। जब घटा देंगे क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा इतना 99,720। अथवा जितनी बार भागफल गया है भाज्य में गुणा कर दीजिए भाजक से, क्या हो जाएगा आपका उत्तर जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को एक बार और लिखिए, आप पहले से लगाइए, एक बार और लिखिए, 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ देने पर, जिसमें 5 जोड़ देने पर वह 18-24-30 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक, प्रश्न आपको समझ में आ गया। वह 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ देने पर वह 18-24-30 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा भाई 360। ठीक, 360 एलसीएम निकालने के बाद फिर आगे क्या करेंगे, हम 5 अंक में भाग देंगे तो जो बचा 279 वो घटा देंगे। घटाने के बाद अगला प्रोसेस क्या हमारा, जब हम घटा लेंगे तो घटाने के बाद हम संख्या प्राप्त होगी, ये 18-24-30 से पूरी तरह विभाज्य है, लेकिन कह रहा 5 जोड़ देने पर, जब 5 जोड़ेंगे तब विभाजित हो, माने जब 5 जोड़ने की बात करेगा वही क्या करेंगे, हम 5 घटा देंगे। क्योंकि जब 5 घटा देंगे तो भाग नहीं लगेगा, कब लगेगा, जब तक उसे 5 जोड़ेंगे नहीं। कितना आएगा, तभी आपका हो जाएगा 99,715। तो मैं क्या प्रको? पूरा प्रोसेस, अरे 5 अंक बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 5 जोड़ देने पे वो प्रत्येक दशा में 18-24-30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 18-24-30 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 5 की संख्या में भाग देंगे, जो शेष बचेगा शेष को भाज्य में से घटा देंगे, फिर संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 18-24-30 विभाज्य है, लेकिन कह रहा है 5 जोड़ने पे तो घटा देंगे। जब घटाने का मतलब भाग लगेगा ही नहीं, कब तक, जब तक उसे 5 जोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार हमें क्या हो गया, संख्या आंसर प्राप्त हो गया। समझ आ गया, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, सेम क्वेश्चन बोल ले ताकि आपको लगाने में सुविधा ना हो, केवल कॉन्सेप्ट समझना है, चाहे जय अंक का आप आसानी से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18-24-30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 18-24-30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 5 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 18-24-30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 7 शेष बचे। सेम प्रोसेस, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम निकल कर आएगा उस एलसीएम से 5 की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे, क्योंकि जब जो कलम ने पढ़ा थी, जब 7 जोड़ देंगे जब जब भाग देंगे वही 7 शेष बचेगा, जितना कहेगा शेष बचेगा उतना हम उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार है आपका लग गया, समझ में भी शायद आपको उम्मीद करते आ गया होगा। तो और आगे बढ़े, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप उसे लगाइएगा, लगा के दिखाइएगा, 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 15-24-36 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए।
चार अंक की बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 24, 36 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अगला प्रश्न, चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 3 जोड़ देने पर वह 12, 24 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, एक अगला टाइप, एक टाइप और लिखिएगा क्रम से एकदम, ताकि आप लोगों को समझ भी आए और बेहतर भी लगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चार अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें जिसमें 15, 24, 30 से भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 24 और 36 से भाग देने प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। इसी प्रकार इस प्रश्न को आप लगा लीजिएगा, इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला वीडियो डाल रहे हैं जहाँ पे हम इसकी बात करेंगे कि अगर 5 अंक की छोटी संख्या कहेगा तब कैसे हम लगाएंगे। ठीक, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसी पैटर्न पर लगाएंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए और मज़ा भी आ जाएगा। वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग को परेशानी होती है, इसलिए हमने ऐसा किया। और खासकर रिपीटेड सुपर टेट के लिए ये जो वीडियोज है ये राम जैसा कि परीक्षा आपका सर पे पड़ा हुआ है, और खासकर ये डीएलएड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए इस वीडियो लिंक को आप अन्य साथियों तक शेयर कर दीजिए जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े वो भी जुड़ सके। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी सीटेड यूपीटेड सुपरटेट के हमारे उपलब्ध है, और उसके लिए अगर आपको नंबर चाहिए 6306344 36। ठीक, जहाँ पे आप नोट संबंधी जानकारी ले सकते हैं 6306344367। ठीक, इसी के साथ आप इस वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जस्ट कुछ देर के बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।